तो दोस्तों फाइनली जिस खबर का बेसब्री से इंतजार था उसकी डेट अब यहाँ पर आ चुकी है। 15 से 16 अगस्त के बीच हमें कनाडा के अंदर कॉन्फ्रेंस देखने को मिलने वाली थी और इस समय पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है इंटरनल सोर्सेज के हिसाब से कि आज के दिन यानी कि 15 अगस्त को हमें शिबाइनु का शिबेरियम लॉन्च होता नजर आएगा। जिस टेस्टेड मीनियट का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो आज हमें लाइव होता नजर आ सकता है और शिबाइनु के प्राइस में एक बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करें तो आज की डेट सामने आ चुकी है जहां पर काफी सारी हलचल हमें शिबाइनु के इकोसिस्टम में देखने को मिल रही है और यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शिबाइनु का प्राइस लॉन्च होते ही ऑलमोस्ट 10-15% इंक्रीज होता नजर आएगा और ग्रेजुअली हमें इसके प्राइस में बड़ी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसी के साथ में क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप और ट्विटर हैंडल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहां पर भी हम इसी तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर देते रहते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट और आज हम लोग बात करने वाले हैं शिबाइनु यानी कि शिब के बारे में। दोस्तों आज का ये वीडियो शिबाइनु के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये वीडियो है शिबेरियम के लिए क्योंकि इस अपडेट का शिबाइनु के अंदर हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे पिछले कुछ दिनों के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 24 आवर्स के अंदर हमें कई बड़ी अपडेट्स देखने को मिली है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1K शिबाइनु वॉलेट जो है वो केवल 24 आवर्स के अंदर सेल हो चुके हैं। कम्युनिटी ने शिबाइनु की बर्निंग को फुल्ली सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इस तरह का इन्वॉल्वमेंट दिखाया है। इसी के साथ में अगर हम वीकली बर्न रेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 282% से वीकली बर्न रेट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है और यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.16 बिलियन शिबाइनु टोकन्स एक हफ्ते के अंदर ही बर्न किए जा चुके हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं शिबाइनु के प्राइस में हमें जल्द से जल्द अब एक गोल्डन मूवमेंट देखने को मिल सकता है जहाँ पर शिबेरियम के लॉन्च के बाद ही इसका जो गोल्डन पीरियड है वो शुरू हो जाएगा और इसके प्राइस में हमें बुल रन तक एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा है कि बिटकॉइन हाल्विंग से पहले पहले तक शिबाइनु कॉइन अपने प्राइस में 50% की ग्रोथ दिखाता नजर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेंटली एक व्हेल ने ऑलमोस्ट $48 मिलियन के शिबाइनु टोकन्स को यहाँ पर परचेस किया है लीश यूटिलिटी अपडेट के कारण और काफी सारी चीजें यहाँ पर शिबेरियम के लॉन्च से पहले हमें इसके इकोसिस्टम में देखने को मिली। इसी के साथ में एक और चीज हमें देखने को मिली है, यहाँ पर एक इन्वेस्टर ने केवल $103 इन्वेस्ट करके मार्केट में केवल 3 साल तक शिबाइनु को होल्ड करके लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऑलमोस्ट $1 मिलियन का प्रॉफिट गेन कर लिया है। एक बहुत ही बड़ी अपडेट है और ये एक एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी भी कॉइन को किसी भी अच्छे कॉइन में थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक छोटा सा कॉइन भी आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिबाइनु ने अगस्त 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक ऑलमोस्ट 85 मिलियन% की ग्रोथ अपने प्राइस में दिखा दी और इसी वजह से इसी स्पाइक के कारण उसके जो $103 थे वो बढ़कर सीधा पहुंच गए $1 मिलियन तक। तो इस तरह के कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं अपने शिबाइनु टोकन्स को ज्यादा से ज्यादा समय के लिए होल्ड करके रखने के लिए। इसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एड्रेसेस है उसमें भी हमें एक ब्रेकडाउन रिकॉर्ड देखने को मिला जहाँ पर इस ग्राफ के हिसाब से आप देख सकते हैं डेली एक्टिव एड्रेसेस जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो चुके हैं। बड़ी हलचल हमें शिबाइनु के इकोसिस्टम के अंदर देखने को मिल रही है। इसी के साथ में जो शिबेरियम है वो यहाँ पर लॉन्च होता दिखाई दे सकता है। टोरंटो की कॉन्फ्रेंस जैसे कि अनाउंसमेंट की गई थी कि ऑलमोस्ट 15-16 अगस्त तक हमें देखने को मिलेगी तो इसी 15-16 अगस्त के बीच हमें शिबेरियम लॉन्च होता नजर आने वाला है। अब वो आज होगा या कल इसके बारे में पूरी डिटेल्स अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई है लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आज के दिन ही हमें शिबेरियम लॉन्च होता नजर आएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिबेरियम के लॉन्च के बाद शिबाइनु का प्राइस कहाँ तक जा सकता है। दो थ्योरीज है यहाँ पर, दो थ्योरीज मैंने अपने पिछले वीडियोज में भी कई बार बताई कि अगर शिबाइनु का शिबेरियम आज के दिन लॉन्च होता है तो इसके प्राइस में हमें एक सडन ग्रोथ ऑलमोस्ट 10-15% का देखने को मिलेगा और उसके बाद में धीरे धीरे शिबेरियम में आने वाली अपकमिंग अपडेट्स के कारण इसके प्राइस में बड़ी बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी जहां पर धीरे धीरे ही सही लेकिन इस बेरिश मार्केट के अंदर शिबाइनु का प्राइस बुलरन तक ऑलमोस्ट 50% को टच करता नजर आएगा। वहीं पर कई सारी थ्योरीज का यह भी कहना है कि अगर शिबाइनु का शिबेरियम आज के दिन लॉन्च हो जाता है और एकदम से 50% की ग्रोथ दिखा देता है तो एक सडन ड्रॉप भी हमें इसके प्राइस में देखने को मिलेगा लेकिन ग्रेजुअली जो है उसका प्राइस धीरे धीरे इस बेरिश मार्केट के अंदर इंक्रीज होता नजर आएगा। दोनों ही थ्योरीज अपने आप में शिबाइनु को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही सही लेकिन शिबाइनु का शिबेरियम जो है वो शिबाइनु के इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा ट्रेडमार्क एक बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। अगर हम बात करें प्रेडिक्शंस की तो यहाँ पर प्रेडिक्शंस ये लगाए जा रहे हैं कि बुलरन तक शिबाइनु कॉइन कैसे ना कैसे करके ऑलमोस्ट 1 पैसे तक हमें मिनिमम टू मिनिमम जाता दिखाई दे सकता है। अगर हम बात करें शिबेरियम के
लॉन्च की, तो यहाँ पर शिबेरियम के लॉन्च के कारण शिबाइनू का प्राइस जो है वो धीरे धीरे हमें ग्रो करता नजर आएगा। शिबाइनू कॉइन मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने प्राइस में 0.001 रुपीज तक जाता दिखाई दे सकता है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये माहौल आगे का, और शिबाइनू के लिए जो ये जर्नी होने वाली है वो शिबेरियम के कारण अब बहुत ज्यादा ईजी होती नजर आएगी। तो ये थी हमारी आज की अपडेट शिबाइनू कॉइन से रिलेटेड। होप आपको मेरे इस वीडियो ने शिप से रिलेटेड करंटली सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर दी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।